Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Begin with the name of Allah Almighty, most most gracious and merciful. Myself Muhammad Mudassir. Today I am here with you about Hajveri University, जो एक private sector university है जो Lahore के अंदर मौजूद है. उसके अंदर 422 के admission process का आगाज हो चुका है. उसमें कैसे apply करना है, कौन कौन से program available हैं, क्या eligibility criteria है, proper application को कैसे submit out करना है, each and everything इंशाल्लाह detail के साथ हम discuss करेंगे. मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आप आने वाले हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलते रहे. अब बात यह कि आगे बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है. आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं. ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ डॉक्यूमेंट डिसेस करने हो, बैंक का चलान पे करना हो या किसी भी जगह रजिस्ट्रेशन, डेटा एंट्री या सीवी के रिलेटेड जो भी वट एवर काम हो, आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं. अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस के हवाले से, तो आपको बता दूं आपने सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 03012027670 इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करना है. और इसके लिए आपको किसी भी बैंक, किसी भी शॉप या किसी भी यूनिवर्सिटी या अदारे में जाने की कोई जरूरत नहीं, आपने सिंपली हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करना है. अब बात करते हैं हजवेरी यूनिवर्सिटी के हवाले से, आपने सिंपली यहाँ पे सर्च आउट करना है हजवेरी यूनिवर्सिटी. जैसे हजवेरी डॉट ई डी डॉट यू पी के सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है. यहाँ पे डिग्री डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप है, यहाँ पे डिफरेंट उनका फीस स्ट्रक्चर, यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल, जितनी भी उनके प्रोग्राम्स हैं सब उसके अवेलेबल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर प्रोग्राम के अंदर आता है, बीबीए आ जाता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं, बीएस ऑनर्स आ जाता है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी आ जाता है, फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, आईटी कॉम, बी फार्मेसी, ये सप्लाई चेन जितने भी प्रोग्राम है, एडीपी प्रोग्राम भी अवेलेबल है. इसी तरह एमबीए की मैं बात करूं तो एमबीए के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं. उसके बाद एमफिल के प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है सारे आपके सामने शो कर दिए गए हैं. अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस के हवाले से, सबसे पहले आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, रजिस्टर नो पे क्लिक करना है अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो. अब लाहौर कैंपस के अंदर हमने करना है तो यहाँ पे सबसे पहले बैचलर प्रोग्राम के लिए करना है तो बैचलर प्रोग्राम. जो मास्टर के लिए करना चाह रहे हैं मास्टर के लिए, एग्जाम्पल तौर पर जो फिफ्थ सेमेस्टर में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो मास्टर्स के लिए क्लिक करेंगे. जो एमएस एमफिल में करना चाह रहे हैं वो नीचे करेंगे. एमएस में जो आफ्टर सिक्स ईयर ऑफ एजुकेशन होता है, जो पीएचडी में करना चाह रहे हैं तो वो पीएचडी वाला ऑप्शन चूज करेंगे. इट्स अप टू यू, ठीक है. तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है, तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है. अब यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नेम देंगे, अपना नेम एग्जाम्पल तौर पर नाम मोहम्मद मुदस्सिर है, फर्स्ट नेम आ देना है. आपने अपने जो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर डिग्रीज के ऊपर आपका नेम है वो आपने मेंशन करना होता है. इट्स एन ऑप्शनल. यहाँ पे आप मोबाइल नंबर दें, एग्जाम्पल तौर पर ये मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करता हूँ. जैसे रजिस्टर्ड पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा. अब यहाँ पे मैं जिस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आई एम इंटरेस्टेड इन डी फार्मेसी, और उसके बाद सेकंड प्रोग्राम जो मेरा इंटरेस्टेड है वो मैं कर लेता हूँ एडीपी प्रोग्राम कर लेता हूँ. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं एडीपी प्रोग्राम, या जो भी वट एवर मैं डॉक्टर फिजिकल थेरेपी के अंदर इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है. एडीपी प्रोग्राम 2 ईयर प्रोग्राम है, आपने इस बात को लाजमी रखना. यहाँ पे डॉक्टर फिजिकल थेरेपी चूज आउट कर लेता हूँ, ठीक है. यहाँ पे आप अपना नेम देंगे, अपना लास्ट नेम देंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल सारा कुछ देंगे. यहाँ पे डिग्रीज मेंशन आउट करेंगे, अपना रिजल्ट मेंशन आउट करेंगे. सारा कुछ मेंशन करने के बाद, तस्वीर लगाने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी. पीडीएफ फाइल के अंदर तकरीबन 7 पेजेस होंगे. 7 पेजेस के साथ आपने क्या करना है कि आपने बैंक के अंदर चालान पे करके, चालान पे करने के बाद आपने उस ओरिजिनल चालान साथ अटैच करना है. उसके साथ साथ आपने अपने तमाम एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करके यूनिवर्सिटी को जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपने टीसीएस कर देने हैं, ठीक है. आफ्टर टीसीएस आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुंच जाएंगे. अगर कोई रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट है तो रिजल्ट वेटिंग पे भी क्लिक करेगा, ठीक है, ताकि उसको आइडिया हो सके और बाद में उसको मसला ना बन सके. तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है, लाजमी फॉर्म को प्रॉपरली एक्यूरेट वे से फिलअप करके प्रॉपर एड्रेस देके आपने मेंशन करके आफ्टर दैट आपने यूनिवर्सिटी से कंसल्ट कर लेना. डॉक्यूमेंट फौरी के फौरी उसी दिन टीसीएस कर दें, या अगर नेक्स्ट डे भी आप कर सकते हैं. इट्स नॉट मस्ट कि आपने उसी दिन डिस्कस करने हैं, उसी दिन ही आपने टीसीएस करने हैं. आप उसी दिन भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, जब वट एवर जब आपको टाइम मिले. बट इसको जल्दी से जल्दी टीसीएस करें, जितना भी हो सके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेटली मेंशन करके एक टारगेट यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपना एडमिशन स्कोर कर सकते हैं. अगर किसी को डी फार्मेसी या किसी भी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना हो तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं. इंशाल्लाह हम आपको एडमिशन करवाएंगे, आपका घर बैठे सारा कुछ करवाएंगे. आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अभी तक किसी ने नहीं प्रोवाइड की. अगर फीस स्ट्रक्चर भी जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर फीस स्ट्रक्चर भी जान सकते हैं. और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. जजाकल्ला, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़.